My name is Bamal Irani and I'm an actor. Life, I have to make sure, listen. Life may, कोई भी चीज़ में never take anything for granted. Never. मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ. एक बार मैं प्लेन पर बैठा था, सेकंड रो में, और मेरी एक आदत है, I like to wish everybody good morning. मैं एयरलाइन स्टाफ बन जाता हूँ, good morning, how are you? Have a good flight, have a good साथ में. कहाँ जा रहे हैं आप? नाटक कर रहे हैं, वही तो फ्लाइट पे है, साथ में. So I wish everyone, one guy, he entered the flight. ऐसा व्यक्ति जो हमें एक्चुअली मुझे पसंद नहीं है क्योंकि वो फोन पे इतनी जोरों से बात करता है एंड आई कैन नॉट स्टैंड दैट लाउड टॉक एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग तो सो जो आपको मालूम है मैं किसकी बात कर रहा हूँ तो टॉकिंग सो जो टॉकिंग सो लाउडली और उनकी नजर मुझ पे पड़ी December.
My father passed away, मेरे पिताजी का देहांत हो गया, May of 1959. उसका मतलब ये है कि I was born, अंग्रेजी में बहुत बड़ा एक word है, अल्फाज है, called posthumously. अभी मुझे उस word, लोग बोले, oh, he is born posthumously. तो ये समझ नहीं आया, what do they mean posthumously? इसका मतलब ये होता है, born after the death of. तो जब मेरी फैमिली में सिर्फ लेडीज, मेरी माँ, मेरी तीन बहन, पांच चाची, चार मौसी, देयर फ्रेंड्स, मतलब मर्द की आवाज मैंने सुनी नहीं थी, जैसे कि सर की आवाज में तो अगर मैं छोटा था सुन लेता था तो मैं डर जाता था. मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता था. I did not know what a father is. So I never missed a father. So everybody should be very sorry for me. And I was wondering, क्यों? मैं बात ही नहीं करता था. I never spoke. जुबान ही नहीं खोलता था. इसलिए कि मैं वायरस की तरह बात करता था. जुबान ऐसी और बहुत पक्की आवाज थी मेरी. और मैं व्हाट्स द वर्ड, नॉट ओनली दिस, दिस तो था ही, एंड आई यूज्ड टू स्टटर, एंड आई यूज्ड टू स्टैमर. आप लोग हंस रहे हैं ना, नॉटी बॉयज, बट दैट्स द ट्रूथ. बिकॉज एवरीबॉडी यूज्ड टू लाफ, आई नेवर स्पोक सिंपली बिकॉज आई थॉट समथिंग इज रॉन्ग विद मी. आई एम डैमेज्ड गुड्स, यू अंडरस्टैंड. तो सो मच सो मेरी माँ मुझे स्कूल एडमिशन के लिए लेके गई सेंट मेरी स्कूल मुंबई, वेरी गुड स्कूल. मेरी माँ दुकानदार थी, बट शी वांटेड मी टू गेट अ गुड एजुकेशन. आई एम टू लकी पीपल टू हैव वंडरफुल एजुकेशन. सो शी टुक मी टू सेंट मेरी स्कूल. वहाँ पे फादर मॉनरे थे. फादर मॉनरे ने कहा कि डोंट वरी मिसेस इरानी, आई नो आपके फैमिली में क्या क्या हुआ. आई विल जस्ट शो द चाइल्ड, एक फोटोग्राफ दिखा हुआ और ही हैज टू आइडेंटिफाई ही इज इन स्कूल. No problem. मैं पास में था, मुझे फोटोग्राफ दिखाई दी, मुझे खाली बोलना है कि फोटो में कौन सा जानवर है. And I am in school, best school in Bombay. Okay. मुझे बोल में दिखाया और मुझे फोटोग्राफ दिखाया और फोटोग्राफ था हॉर्स. एक हॉर्स ऐसे. तो मैंने सोचा कि अगर मैं जुबान नहीं खोलूंगा, मैं कुछ नहीं कहूंगा तो और बेहतर होगा. अकलमंदी की बात की, मतलब बच्चे चाइल्ड विजडम. एंड आई सेड नथिंग, स्माइल. ओके, गो राइट, गो राइट, गो राइट. इट वाज नॉट अनदर फोटोग्राफ, इट वाज अ माउस. अगेन आई सेड नथिंग, आई लुक टू ओल्ड, एंड माय मम्मी इज पिंचिंग मी इन द बैक साइड. यू नो हाउ मम्मी इज आर. आई डिड नॉट ओपन माय माउथ. In the taxi, let me tell you, I did not get admission in school. They said, you get admission. So, my mom was very angry. But after 10 minutes, father wanted to phone my mom. And he said, Mrs. Irani, we are educationists. We are educationists, Mrs. Irani. What child, kaun sa bachcha, does not know what a horse is? Which child does not know what a mouse is? He's just a shy child. He's overprotected. Send him to St. Mary's, we'll make a man of him. This is a responsibility educationists have, not to just look at students who are bright and brilliant and get 98.5% in everything. Education is for everyone. Education is for children who may not excel in certain subjects. I went to St. Mary's school and the problems persisted. I had dyslexia. Do you know what dyslexia is? You also talk to people? Dyscalculia. Aaj bhi dyscalculia. Dyscalculia is got to do with numbers. Mujhe numbers samajh mein nahi aata.
believe it or not. I'm a bad businessman. I don't understand numbers. You don't understand numbers. But no, I'll take over your bank account. That was a joke. And I have learning disabilities. Do you know in the 60s what the technical medical term for dyslexia was? Does anybody know? Anybody? My guru? Duffer. How dare does anyone, any, especially your best friend's parents, will call you Duffer? Achha lagta hume, because they think unka achha aur achha lagega. Always say, beware of the neighbor's baby's mummy. She's always jealous of somebody. But I had real problems. Now, this story is important. Not because it is my story. But every story, picture dekho, book mein padho, but story ka jo character hota hai, he has to have a want in life. He has to have a desire. He has to have a passion for something. अगर वो desire और want नहीं होता, तो वो कहानी बोलने लायक है ही नहीं। Picture में अगर आप देखेंगे कि lead actor, lead जो character है, he does not have a desire and a want. You don't want to see the movie. और अगर कोई किसी character को desire है कि मैं national champion बनूँगा, या cricket team में भाग लूँगा, और वो without any obstacle वो प्राप्त कर लेता है। वो कहानी में उस कहानी में भी मजा नहीं है। You have to have a desire and you have to have obstacles. Without obstacles, there is no learning. So my desire was when एक बार एक फिल्म देखी थी, funny girl करके, very unfunny movie. लेकिन वो funny जो थी, वो character इतनी funny थी, stage पे लेकिन real life में बहुत tragic थी। लेकिन वो पहला shot था, वो theatre में आती है और theatre में लोग जा रहे और वो लोगों के साथ थिएटर में नहीं जाती है, वो पीछे से जाती है। And she enters from the artist's entrance. And I saw that film, and I said, one day I will enter the stage from the artist's entrance, the stage door. That was my want. That was my desire.